हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है, मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, एकदम टाइम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल से आज मिला है थोड़ा सा टाइम, तो एक छोटा सा अपडेट बता दे रहा हूँ मैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है, API का मास्टर किट, ये मैं बहुत दिन पहले लाया हूँ। ठीक है, तो इसका रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसी के बारे में आज मैं बेसिक आप लोग को कुछ आइडिया बताऊँगा। ठीक है, बट उससे पहले कुछ डाउट्स है बहुत लोगों का, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये देखिए, ये वाला टैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो है, कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, फिल्टर नहीं है, मस्त एकदम। जब भी मैं हाथ ऐसे करता हूँ, लोग फीडिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स, मैं सोचा नहीं था। मैं तो सोचा था चलो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं शॉप नहीं खोलूंगा। गाइस, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हर जगह से मेरे पास कॉल आया है, बहुत सारे कॉल्स आए हैं, मैसेज भी तो बहुत आ रहे हैं। लिटरली मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा था किसी को, मैं खुद वीडियो नहीं कर पा रहा था, इतना मेरा मैसेज आ रहा था। सो मैंने एक दूसरा फ़ोन भी बाय किया नया, ओनली फॉर शॉप। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था, मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था, फ़ोन आ जा रहा था बहुत सारे। ठीक है, इतना अच्छा विश है, सबको फीस चाहिए, तो कुछ डाउट्स है बहुत लोगों का, सोचा कि एक वीडियो के थ्रू मैं क्लियर कर दूँ, इसलिए स्पेशल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पहला डाउट है कि शिपिंग होगा कि नहीं। तो गाइस देखिए, शिपिंग हम लोग ज़रूर करेंगे ऑल ओवर इंडिया, भैया ट्रेन हो गया, बस हो गया। ठीक है, एंड बहुत लोग का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि मैं एक शॉप खोलने वाला हूँ, क्या मैं आपसे होलसेल में ले सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं होलसेल में भी आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। एंड हॉबीस्ट लोग को तो इतना सपोर्ट, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, सबको कुछ ना कुछ बाय करना है। ठीक है, मैं उस हिसाब से आप लोग के लिए मंगवाऊंगा फीस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जो सबसे फनी है, बहुत लोग मुझे ये पूछ रहा है कि शॉप कौन खोल रहा है, किसका शॉप है, कौन कौन मिल के खोल रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, बहुत लोग का डाउट है। ये जो शॉप होने जा रहा है, SBP एक्वेरियम शॉप, ये पूरा का पूरा मेरा अकेला का होगा, फुल सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंट मेरा खुद का बिजनेस है, नॉट इवन माई टीम। मेरा टीम मेरा को हमेशा सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं भी उनको बुलाता हूँ एज अ वीडियो पर्पज़ के लिए। ठीक है, फॉर एडुकेशनल, फिर हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, फन होता है, मजाक होता है। ठीक है, बट बिजनेस गाइस पूरा अलग चीज़ है, टोटली डिफरेंट, उसमें कोई भी मेरा साथ नहीं है। ठीक है, मेरा टीम को भी आप लोग कोई भी हैरेस मत कीजिए। ठीक है, फ़ोन करके उनको भी मत पूछिए, जो भी कुछ डील करना है, एनीथिंग, मुझे डायरेक्टली डील कीजिए। कॉन्टैक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, दो नंबर दिया है मैंने, दोनों का व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है, तो दोनों का पर्पज़ थोड़ा अलग है, मैं लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया था। ये जो नंबर है गाइस, आप देख सकते हैं, इसमें ओनली फॉर जिनको भी ऑर्डर का कुछ प्लेस करना है, प्राइस वगैरह जानना है, ऑर्डर रिलेटेड क्वारीज होगा तो आप इसमें कॉल कीजिए या इसमें व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, एंड अगर आपका फिश का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू, आपका फिश खाना नहीं खा रहा है, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप ये वाला नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7432017270। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी फिश रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो आप लोग को शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में मिक्सड अप हो जा रहा है थोड़ा, इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग पर्पज़ के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप लोग दोनों का कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम होगा आप मुझे वो सेकेंड नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपका अपडेट भी बहुत जल्द आने वाला है गाइस। सो एनीवेज, आज का मेन वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं, वाटर टेस्ट के ऊपर। ठीक है, ओके, सो मैं आज इसके ऊपर आप लोग को बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, फुल टेस्ट मैं आज नहीं करूँगा, आप लोग को जानना होगा ये चीज़ एक्चुअली है क्या। हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि मेरा फिश फिट नहीं कर रहा है, फिश का फंगस आ गया है, फिश का ये हो गया है, तो सब कुछ गाइस इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको वाटर टेस्ट करना होगा, आपको वाटर पैरामीटर्स जानना बहुत ज़रूरी है, और एल्स आप फिश में ठीक से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जनरली pH, एमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये चार मेन है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो ये इसका मैनुअल है, आप देख सकते हैं वाटर टेस्ट क्या क्या लेवल इसमें है। pH आप इसमें देख सकते हैं, pH का हाई रेंज pH भी देख सकते हैं, NH3, NH4 जो कि एमोनिया है। ठीक है, फिर नाइट्राइट आप देख सकते हैं, फिर नाइट्रेट भी देख सकते हैं। ओके, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब दिया गया है, चार टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, देखिए इस तरह से चार टेस्ट ट्यूब यहाँ पर है, एंड ये है सॉल्यूशन,
जो मिक्स करके आप 5 ml इसमें डाल के फिर इन दोनों को कलर मिक्स करके होता है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले pH क्या होता है, ठीक है। तो pH देखिए गाइस, एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। एसिडिक का रेंज रहता है 1 से 7 तक, फिर नॉर्मल 7.1 से 14 तक रहता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो ये फिश आप देख रहे हैं इनके लिए मोस्टली 6.8, 7.6 ये रीडिंग बेस्ट है। किसी किसी फिश का थोड़ा अप डाउन होता है। एंड ये तो चलो pH आप टेस्ट कर लिए, बट pH जब बढ़ जाता है तब उसको क्या करना चाहिए कुछ बता दे रहा हूँ मैं। लाइक ड्रिप फ्रूट ऐड करना पड़ता है, फिर लेमन, और भी बहुत कुछ है, ये मैं अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। अभी आज मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ। अगर pH कम हो जाएगा, ड्रॉप हो गया pH, तब आपको क्या करना होगा ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है अमोनिया। देखिए अमोनिया हमेशा गैस आपको 0 PPM पे रखना होगा, ठीक है। NH3 NH4 इससे ज़्यादा अगर होगा 0.51 तो फिश को प्रॉब्लम होगा। अमोनिया क्या है आई गेस आप लोगों को पता होगा, जो भी फिश पूप करता है, जो पानी में वेस्ट रहता है उसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। एंड वो धीरे धीरे अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो बहुत ही लाइक प्रॉब्लम करता है फिश के ऊपर, फिश मरने जाता है, फिश का लाइक बहुत डिजीज होता है फिश का, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्राइट। नाइट्राइट भी एक है गाइस, नाइट्राइट को आपको हमेशा ये भी 0 रखना होगा, ठीक है। 0 अगर आप नहीं होता है लाइक 0.50, 0.1.0 अगर ऐसे इंक्रीज होता है तो भी प्रॉब्लम है, नाइट्राइट भी आपको मेंटेन करना होगा या आपको 0 पे रखना होगा, ठीक है। एक और आता है लास्ट में जो है नाइट्रेट। नाइट्रेट हमेशा गैस 50 होना चाहिए, ठीक है, 50 या 50 का अंदर होना चाहिए। 160 80 अगर होता है तो वो थोड़ा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब आपको पानी चेंज करना होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंट, इसलिए वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये गाइस बेसिक टेस्ट होता है, कितना टाइप का आप देख लीजिए, 1 2 3 4 चार टाइप का टेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी देखिए बॉस लोग का पास ऐसा टेस्ट किट नहीं है। ये टेस्ट किट का प्राइस 3,150 मेरे को पड़ा था, तो हर कोई तो ये खरीद नहीं पाएगा ना। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप एटलीस्ट अमोनिया वाला टेस्ट किट ले लीजिए, ठीक है। pH देखिएगा, pH टेस्ट किट लेकर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। pH अप डाउन होते रहता है, बहुत सारे फिश को लाइक pH वो लोग झेल लेता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा तो pH वो लोग झेल लेगा, बट अगर एमोनिया प्रॉब्लम होगा, नाइट्राइट प्रॉब्लम होगा तो आप तो समझ नहीं पाओगे ना। आपको देख के लगेगा पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर है, बट पानी साफ होने से पानी का वाटर पैरामीटर सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट एक एमोनिया टेस्ट किट, नहीं तो नाइट्राइट का टेस्ट किट आप ले लीजिए, ठीक है। तो आपको लाइक एक आइडिया होगा कि बीच बीच में आप टेस्ट करोगे तो आपको भी पता चलेगा हाँ मेरा पानी सही है। चीज़ TDS मीटर बोलते हैं देखिए इसको, ठीक है। TDS भी आपको चेक करना होगा कभी कभी, सब फिश का अलग अलग TDS है, वो भी आपको बाद में जितना मुझे इन्फो मिलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पानी का देखिए ऐसे लगा के फिर TDS रीडिंग बता देगा, 500 600 ऐसा कुछ आता है, सब फिश का अलग अलग TDS होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, ज़्यादा आप लोग ये डीपली सोचोगे तो आपको और दिमाग ख़राब होगा, तो उतना मत सोचिए। सिंपल आप एक अमोनिया टेस्ट किट, नहीं तो एक नाइट्राइड, इसका सिंगल सिंगल किट भी आता है, ये तो मास्टर किट है, सिंगल सिंगल किट भी आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा या कहीं भी लोकल शॉप में मिलता है तो ले लीजिए। तो एटलीस्ट एक टेस्ट किट बाय कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आता है गैस, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाता है ना तो ये टेस्ट किट बहुत काम में देता है, ठीक है। एंड इसमें सबका अलग अलग कॉस्ट भी रहता है, अगर किसी का pH या कोई भी अमोनिया इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने से क्या क्या डिजीजेस होता है फिश को वो आप पकड़ सकते हो, डिक्रीज होने से क्या क्या डिजीज होता है वो भी आप पकड़ सकते हो। तो उसका भी मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। सो एनीवेज गाइस, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते, एक छोटा सा शॉर्ट अपडेट में दे दिया। नेक्स्ट शॉप में कुछ भी मेरा अपडेट होगा मैं बहुत जल्द आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मेरा सेकेंड चैनल को भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, SPP एक्वेरियम शॉप, उसमें भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। एंड गाइस अभी मेरा लाइक टाइम मुझे बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, वीडियो इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ भी बिजनेस सेटअप भी करने जाओगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक लिटरली रात का नींद उड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं धीरे धीरे जब ये सेट हो जाएगा, बिजनेस एक बार बैठ जाएगा, उसके बाद
मैं नॉर्मल जैसे वीडियो छोड़ता था मैं वैसे वीडियो छोड़ूंगा, ठीक है। अभी मेरे को बहुत भाग दौड़ करना पड़ा है, बैंक जाना पड़ रहा है, लाइसेंस बन रहा है, ठीक है, इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम। जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, एंड सबको मिलेगा फीस, डोंट वरी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलो हैव अ नाइस डे, बाय।